नमस्कार दोस्तों, YouTube खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेक सिंह भाटी और इस चैनल पर मैं आपको YouTube से जुड़ी हुई जानकारी देता हूं। इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि आपके सभी सब्सक्राइबर्स को आपके वीडियो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है। तो बिना किसी लाग लपेट के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन ना मिलने का जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि कई लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं मगर बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आपके नए वीडियोज का नोटिफिकेशन नहीं मिलता और वे आपके नए वीडियो को नहीं देख पाते हैं। इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने वीडियो में जब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें तब सभी नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए भी उनको बोले। आपके सब्सक्राइबर को वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिलने का जो दूसरा कारण है वो है शॉर्ट्स वीडियो। जो लोग आपके शॉर्ट वीडियो को देखकर आपको सब्सक्राइब करते हैं उन्हें यूट्यूब आपके नए वीडियोज का नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में, स्टोरी में वीडियो को शेयर करें। जो लोग आपके शॉर्ट वीडियो को देखते हैं उन लोगों तक कम्युनिटी पोस्ट की पहुँच ज़्यादा होती है। ऐसे में लगातार कम्युनिटी पोस्ट शेयर करके आप ज़्यादा लोगों तक अपना वीडियो पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपके सब्सक्राइबर के वीडियो ना देखने का एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने आपके जिस वीडियो को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब किया था अब आपके नए वीडियो उससे अलग टाइप के हैं। तो सब्सक्राइबर्स नोटिफिकेशन को देखकर भी क्लिक नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें आपके वीडियो में रुचि नहीं रहती है। इस समस्या का तो एक ही सॉल्यूशन है कि हमेशा ही अपने चैनल पर एक ही कैटेगरी के वीडियो बनाएं ताकि जो भी आपको सब्सक्राइब करे वो आपके नए वीडियो भी देखें। दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपको 100 लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो जरूरी नहीं है कि 100 लोग आपके वीडियो को देख लेंगे। अगर 25% भी आपकी वीडियो को देख रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। कई बड़े बड़े चैनल्स पर मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं जबकि उनके व्यूज इसके चौथाई भी नहीं होते हैं, तो यूट्यूब पर यह तो चलता ही रहता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि चैनल पर ज़्यादा मिक्स मसाला ना करें। जिस कैटेगरी में आप शुरू से वीडियो बना रहे हैं उस कैटेगरी से बिल्कुल हटकर वीडियो ना बनाएं, हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में YouTube से जुड़ी हुई कुछ अलग जानकारी के साथ।